29 फरवरी 2019 ये एक ऐतिहासिक दिन आने वाले समय में कहलाने वाला है। क्यों कहलाने वाला है? उसका कारण ये है कि जब भी अफगानिस्तान में इन फ्यूचर कोई रायता फैलेगा तो इस दिन को जरूर याद किया जाएगा। पर आज दोस्तों हम इस वीडियो में यहाँ पे अफगानिस्तान में फैलने वाले रायते के बारे में कम बात करने वाले हैं और ये देखेंगे कि इस परिपेक्ष में यानी कि अमेरिका और तालिबान के बीच में जो एक पीस डील साइन हुई है, इस डील में क्या चीजें हैं और भारत इससे कैसे प्रभावित हो सकता है, और क्या ये डील एक पीस डील है या एक कॉम्प्रोमाइज है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि 9/11 के अमेरिका पे अटैक के बाद ही अमेरिका का रोल शुरू हुआ था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में तालिबान से अमेरिका का कुछ लेना देना खास था नहीं, पर क्योंकि तालिबान अलकायदा को सपोर्ट कर रहा था जिसके ऊपर ब्लेम था 9/11 के अटैक का, तो इसलिए मजबूरन अमेरिका को उतरना पड़ा तालिबान के खिलाफ। फिर अमेरिका उतरा तो अमेरिका का एम यह था कि तालिबान को वहां से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीस डील साइन हो गई तालिबान और अमेरिका के बीच में, और अमेरिका तालिबान को मानता क्या है, तो तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जैसा कि आप सब जानते होंगे, और एक इस तरह के संगठन से अमेरिका ने पीस डील साइन की है। और इसमें एक मजे का स्टेटमेंट मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा जो कि तालिबान की ओर से एक नेगोशिएटर ने बोला है। उन्होंने कहा है कि नो डाउट दैट वी हैव वन द वॉर, दैट्स व्हाई अमेरिका इज साइनिंग अ पीस डील। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि तालिबान का एटीट्यूड क्या है और क्या भविष्य में होने वाला है। पर खैर यहां पे हम मोटा मोटी 4-5 कंडीशंस की बात कर लेते हैं जो इस डील में मेंशन की गई है अमेरिका और तालिबान के बीच में। इस डील में सबसे पहली कंडीशन रखी गई है कि किसी भी तरह की हिंसा को तालिबान अब सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी हिंसा में तालिबान इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है कि अलकायदा, जो कि आपको पता होगा ऐसा संगठन है जिसका भारत से भी बहुत कुछ लेना देना है, और इस अलकायदा को तालिबान बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, तो दूसरी कंडीशन ये है कि अलकायदा से तालिबान को अपने रिलेशंस खत्म करने पड़ेंगे। तीसरी कंडीशन में ये बताया गया है कि इस्लामिक स्टेट जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है उसके खिलाफ तालिबान रहेगा, कभी भी उसके साथ नहीं जाएगा, और साथ ही साथ ये कि किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि को तालिबान अफगानिस्तान की भूमि से पनपने नहीं देगा, यानी कि किसी भी तरह के और संगठन को तालिबान उस अफगानिस्तान की धरती से पनपने नहीं देगा। और साथ में आखिरी कंडीशन ये रखी गई है कि अगर किसी भी तरह के कंडीशंस को, यानी कि जो कंडीशंस मेंशन की गई हैं इस पीस डील में, उसको अगर तालिबान वायलेट करता है तो उस कंडीशन में अमेरिका इस पीस डील को खारिज कर देगा। इस डील में यह भी बताया गया है कि आने वाले 5 महीने में अमेरिका अपने ट्रूप्स की संख्या को घटाकर 8,600 कर देगा, जो कि इस समय अभी अफगानिस्तान में 12,000 से 13,000 की संख्या में ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके बाद आने वाले 14 महीने में अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 14 महीने में ही अमेरिका अपने सारे ट्रूप्स को वापस बुला लेगा। अमेरिका यानी कि अफगानिस्तान खाली हो जाएगा और अफगानिस्तान पूरा पूरी भरोसे हो जाएगा तालिबान के। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में होगा ये कि तालिबान और अफगानिस्तान में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में बातचीत होगी, और उन दोनों के बीच में क्या डील साइन होती है ये भारत के लिए ज्यादा मायने रखेगा, ना कि अमेरिका की डील। अमेरिका की डील की बात करें तो इस डील में आप देख सकते हो दोस्तों ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है जिससे कि यह साबित होता हो कि तालिबान वहां पे अब कुछ नहीं करेगा या फिर आने वाले समय पे वहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ इस डील में यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि तालिबान के कब्जे में जो 1,000 ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तानी सैनिक हैं, उनको तालिबान एक्सचेंज करेगा उन सैनिकों के बदले में जो कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास है, तालिबान के सैनिक जो कि लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में है, और इसी पे अभी अग्रीमेंट हुआ नहीं है और शुरुआत यहीं से रायते फैलने की शुरू हो गई है, क्योंकि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम ऐसे किसी भी तालिबान के जो सैनिक हमारे कब्जे में है उनको रिलीज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये डील अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में नहीं साइन हुई है बल्कि ये डील तालिबान और अमेरिका के बीच में साइन हुई है। और देखा जाए तो उनका कहना अपनी जगह उचित भी है, क्योंकि अगर वो 5,000 से ज्यादा लोगों को रिलीज कर देंगे तो उसके बाद की कंडीशन फिर आप जानते ही हैं। अभी की बात की जाए तो अभी के भी कंडीशन में तालिबान के हाथ में बहुत बड़ा एक एरिया कवर करता है वो अफगानिस्तान के, और आने वाले समय में ये तो वक्त बताएगा कि अफगानिस्तान में क्या डेमोक्रेटिक सरकार रहने वाली है या फिर तालिबान अपनी जोर जबरदस्ती से वहां पे शासक बन के बैठ जाएगा। अगर तालिबान वहां पे शासक बन के बैठ जाता है या फिर वो अपनी लड़ाई अफगानिस्तान गवर्नमेंट के थ्रू कंटिन्यू रखता है तो इन दोनों ही कंडीशन में भारत के परिपेक्ष में भारत को काफी नुकसान होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का जो चाबहार पोर्ट है वो ईरान में स्थित है और उसके थ्रू हमारा जो आगे में बिजनेस रूट है वो हमारा अफगानिस्तान होके जाता है मिडिल ईस्ट में।
तो इसमें भारत को एक काफी समस्या हो जाने वाली है अगर तालिबान वहां पे ज्यादा पावर में आ जाता है तो। प्लस साथ ही साथ अगर वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है तो उससे भारत को फायदा यह भी होता है कि हम अफगानिस्तान की बाउंड्री के थ्रू अफगानिस्तान में अपना कोई आर्मी बेस बना सकते हैं जिसके थ्रू हमें पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलने में काफी मदद मिल सकती है। लेकिन ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब अफगानिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे हों, और अफगानिस्तान से हमारे रिलेशन तभी अच्छे हो सकते हैं जब भविष्य में वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी रहे और तालिबान का एक तरीके से पूरी तरीके से सफाया हो जाए। लेकिन ऐसा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्री अगर वापस चली गई तो अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट अकेले तालिबान से कहां तक लड़ेगी। और प्रॉब्लम यहां पे यही है कि अगर तालिबान एग्जिस्ट करता है तो वो पाकिस्तान में पनप रहे हर तरह के आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता है, और फिर बाद में ये इंडिया के लिए और समस्या का विषय बन जाएगा अगर वो भी खुल के सपोर्ट करने लगे। यहां पे तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करना जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने इस डील में काफी महत्वपूर्ण भूमिका बनाई है एक मध्यस्थ के रूप में, क्योंकि पाकिस्तान या तालिबान इन दोनों के रिलेशन काफी अपने आप में अच्छे हैं। तो अगर तालिबान वहां पे मजबूत होता है तो आप समझो वहां पे पाकिस्तान मजबूत हो जाता है, और अगर पाकिस्तान मजबूत होता है तो आपको पता ही है कि भारत के पाकिस्तान से कैसे रिलेशन है और इतिहास क्या गवाही देता है इन रिश्तों के। तो भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर होगा। बात की जाए इसके सॉल्यूशन की तो सच कहूं दोस्तों तो अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले कंडीशन में पाकिस्तान की सरकार में कौन सी करवट लेती है वहां की सरकार और किस तरह की गवर्नमेंट वहां पे भविष्य में बनती है। उन सबको देख के भारत को अपनी स्ट्रेटजीज को बनाए रखना चाहिए। पर उसी बीच में हमारे गृह मंत्री का बयान आया है जो कि बहुत ही अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ अब प्रोएक्टिव हो चुके हैं, हम ज्यादा वेट नहीं करने वाले हैं, अब हम यूएस और इजराइल की तरह हो चुके हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है हमारे देश के हमारे बाउंड्री में कहीं भी तो उसका जवाब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, बहुत जल्दी देंगे, और कहीं पे भी हम जवाब उसका दे सकते हैं। तो अगर ये अप्रोच रहेगी तो ऑब्वियस है थोड़ा उनको मुश्किल जरूर होगा, पर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कैसा मोड़ वहां पे लिया जाने वाला है। पर देखने वाली बात होगी कि आगे वहां पे क्या होने वाला है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अफगानिस्तान में ये जो करवट ली है वहां की कंडीशंस उससे भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।